सेटल कर लेते हैं। हाँ लेकिन अभी थोड़ा पीछे लगा Thank you.
यार मैं हमेशा खुश होता हूँ, जैसे मैं कह रहा था राजीव को भी, मैंने कहा हमें बहुत कम मौका मिलता है हमारे सिनेमा लवर से मिलने का। देखिए हम फैन से मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, एक आध सेकंड की बात होती है, लेकिन एक एक माहौल बनाना, एक तरीके से बैठना, बातचीत करना, जहाँ से मैं भी कुछ सीख सकूँ और कुछ अपनी ज़िंदगी के जो मेरे थॉट प्रोसेस हैं उनको बता सकूँ। कई चीज़ों पर हम मानेंगे कि तालमेल है, कहीं पर शायद बोलेंगे नहीं यार इसका नज़रिया अलग, मेरा नज़रिया अलग। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कम टू अ प्लेस वेयर you have sensible people thinking about, for me I would say cinema is an amazing place, meri karm bhumi, to main hamesha chahta hu ki jo log aaye unka intent sahi ho, to aisi jagah pe mujhe lagta hai un logo se milne ka mauka zarur hai। ओके आज ऐसे बहुत से आया, हमने इंटरेक्ट किया है, तो उन्होंने कहा पर्सनली आपसे जो टिप्स लेने वाले हैं एक्टिंग और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का जो है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगे? यार मैं उनसे उनको दे दूंगा टिप्स क्या होता है। देखिए मैं आपसे पूछ यार कैसे करते हैं आपका काम, जो करते हैं आप एक हद तक ही बता सकते हो, इवेंचुअली तो करना मुझे पड़ेगा, राइट? तो बातचीत में आप प्रोत्साहन दे सकते हो, यू कैन इनकरेज देम, यू कैन गाइड देम, यू कैन टेल देम, यू कैन गिव देम ट्रिक्स, यू कैन टेल देम हाउ टू स्टार्ट, बट इवेंचुअली मैं आपको अगर धक्का भी मारूँ एक कदम लेने के लिए, बाकी सारे कदम आप ही को लेने पड़ते हैं। सो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू व्हाट टू डू, आई कैन टेल यू व्हाट आई डिड, आई थिंक दैट ऑलवेज वर्क्स बेटर। सी आई डिड दिस, तो लाइक मैंने एक साल के लिए चावल खाना छोड़ दिया था जब मैं पतला होना चाहता था, क्योंकि मैं सिर्फ चावल खाता था पहले, अब वो मेरे लिए था। ये नहीं तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता तुम चावल छोड़ो पतले हो जाओगे, बट ये मैंने किया। अब आप सोचो कि यार मेरा फेवरेट खाना क्या है, मैं ये छोड़ना चाहूँगा, फिर आप शायद छोड़ दो। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बट आई ऑलवेज फील वेदर इट इज एक्टिंग, इट इज़ अ पर्सनल प्रोसेस। आई मीन यू विल मीट, लाइक आई वॉज विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे, रणबीर रणबीर एंड ऑल ऑफ अस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेज एवरीबडी हैज देयर ओन इन,
it's eventually what works for you, you need to find that and hold on to it and hone it. Okay, as a cinema lover, aisi kaun si movie hai jo hamesha aapko inspire kiya? Yeah, you know, मैं जब नाइन्थ टेंथ में था, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था जैसे सब जानते हैं. मैं फिल्में बहुत देखता था. एंड देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स, जो एक इंग्लिश फिल्म है, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं एक्टर नहीं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. और कहीं ना कहीं आई फील माई फादर्स फिल्म्स हैव हैड अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी. देखिए, आप जब बड़े होते हो अनिल कपूर और बोनी कपूर के घर पर, तो कहीं ना कहीं यू सीन सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा. मिस्टर इंडिया मेरे घर में बनी है, मैंने देखी है बार बार, लगातार सैकड़ों बार, जैसे कि हर हिंदुस्तानी ने भी देखी है. ऐसी फिल्में बहुत इंस्पायर करती है. जब आप देखें DDLJ, जो मेरे बचपन की एक फिल्म है, मैं 10 साल का था, लगान, बिकॉज मैंने थिएटर में पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था इस तरह की फिल्म के लिए. सीटी बजाना एक चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअली ड्रम्स लेके वहाँ पे क्रिकेट मैच की तरह सेलिब्रेट करना, जब वो छक्के चौके लग रहे भुवन से, तो ऐसी कई फिल्में हैं जो आप पे मतलब दे लीव अ मार्क एन इम्प्रेशन. ओके सर, लास्टली पानीपत कंप्लीट हो चुकी है शायद, सिर्फ डबिंग बाकी है. वो भी हो गई मेरी, वो मैंने वो मैंने वो परसों खत्म कर दी डबिंग. हाँ, मेरी पहली पीरियड फिल्म, बट उससे ज़्यादा मेरी पहली फिल्म है आशु सर के साथ, बहुत ही उम्दा डायरेक्टर. मैंने अभी लगान की बात की, सो आई थिंक ही इज समबडी हु जोधा अकबर लगान, ही इज डन अमेजिंग बुक स्वदेश. बहुत मज़ा आया. बहुत बुरा लगता है कि फिल्म खत्म हो गई है, ऑनेस्टली, बिकॉज उनसे सीखने को बहुत मिला. बहुत पेशेंट है, बहुत काम है, यू नो, ही इज समबडी हु, लाइक आई फील एनीबडी हु वांट्स टू बी एन एक्टर और डायरेक्टर मस्ट मीट आशु सर, बिकॉज वो दोनों दुनिया में खेल चुके हैं. बहुत ही सॉर्टेड आदमी है, और जिस तरह से फिल्म बनाते हैं ना, आपको उनसे प्यार हो जाए. तो बहुत अच्छा लगा, और कई थोड़ा बहुत अफसोस भी हो रहा है कि खत्म हो गई. थैंक यू सर. विजुअल सिक्योरिटी दादा, साइड हो जाओ प्लीज. वहाँ कोई नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो भाई, इतनी सिक्योरिटी है. सर एक विजुअल, सर सर विजुअल, Thank you.
हर पिक्चर एक फिट फॉलो करा लाइट नहीं लगा एक ही लाइट व्हाइट लाइट है ना सबसे पहले तो पहली बार जागरण में आई हूँ बहुत नामचीन माना हुआ फिल्म फेस्टिवल है वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स दैट वी हैव टुडे एंड बहुत खुशी है गर्व महसूस होता है कि आज सीमा की वजह से इस फेस्टिवल का हिस्सा बन पाई हूँ ना सिर्फ देखने आई हूँ लेकिन इनकी बनाई हुई एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें मैंने काम किया है वो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा खुशी से ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी नर्वसनेस है क्योंकि बाकी सब ने देखा है मैंने नहीं देखी अपनी फिल्म तो मैं पहली बार देखने वाली हूँ तो नर्वस ज़्यादा हूँ आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि बरसों हम क्यू में खड़े रहते थे जागरण फिल्म फेस्टिवल दूसरों की फिल्म देखने इट्स अ हैप्पी फीलिंग आई विल बी वॉचिंग माई ओन फिल्म विथ माई ग्रेटेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड परफॉर्मिंग इन इट सो वी गो लॉन्ग वे बैक and I'm very happy and you all should watch the film for her performance you should watch the film for the fun and message and I'm very excited मैं I'll be very honest film festival सारे खास होते हैं और ये बहुत अलग अलग तरीके के platforms को मौका देते हैं नए उभरते हुए कलाकारों को नए उभरते हुए डायरेक्टर्स सबको नई स्टोरीज तो ये सब कुछ आपको कमर्शियली कई बार देखने नहीं मिलता नॉर्मल थिएटर्स में ये फिल्में नहीं लगती तो ये ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये देखने मिलता है जागरण में खास बहुत अलग अलग तरीके की फिल्में होती है लेकिन मैंने जैसे कहा पहले कि मेरा ये पहला मौका होगा देखने का तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ या मैं तो 10 साल से वी बीन कमिंग हियर सो मैंने देखा है कि बहुत सारे एज शी सेड करेक्टली सेड कि बहुत सारे नए डायरेक्टर्स कलाकार को प्लेटफॉर्म मिलती है एंड द सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स मुझे बहुत पसंद आती है बिकॉज आर डिफरेंट जॉनर्स बहुत वर्सिटैलिटी है एंड आप एक छत के नीचे आ जाओ आप बहुत कुछ देख लो सीख लो इंस्पायर हो जाओ दैट्स व्हाट सुपर्ब एंड दिस विल बी द मोस्ट एक्साइटिंग टू हैव माई ओन फिल्म या आई मीन ऑल द बेस्ट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं सच्ची कहूँ इसलिए यू नो क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं नहीं ये क्या है ना बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और जागरण में ही ये एक ऐसा मंच है मैं कहूँगी ये ऐसी जगह है जब ये फिल्म फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग दिखते हैं और पहली बार मैं सब को मिल रही हूँ देख रही हूँ नॉट पहली बार मिल चुकी हूँ लेकिन इस बार वो मुझे एग्जामिन करने वाले हैं तो गर्व महसूस होता है कि उन्होंने हमारी फिल्म सिलेक्ट की तो आई एम प्राउड थैंक यू थैंक यू Start. Rolling. मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ स्पेशली फॉर जागरण फिल्म फेस्टिवल
इनसे मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनके साथ जयपुर और जगह और भी जा चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ससुर में, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर बार जब हम उजाला बनाते हैं मैं हमेशा वक्त निकालूँ और यहाँ पहुँचूँ। आई थिंक वो सब मेरा रिश्ता से फिल्मों से जुड़ा हुआ है और फिल्मों के थ्रू एक फेस्टिवल से आप जुड़ सकते हो, जो कि आप जो डिपार्टमेंट में काम करते हो डिपार्टमेंट ऐसा है जो बहुत कम फेस्टिवल ने उस पर अटेंशन दिया है। जागरण मुझे इस पर से एक वन ऑफ दी फेमस फेस्टिवल है जिन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर को इतना रिस्पेक्ट दिया। मैं पहले भी इस फेस्टिवल में इस तरह के इवेंट के लिए आ चुका हूँ, दिस टाइम द मेकिंग इज मोर बिगर एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत अच्छा है, मैं जो मुझे लगता है कि 10 साल है, मैं कोशिश करता हूँ कि 20 साल हो 25 30 हो, मुझे हर 10 साल बाद भी बुलाया जाए, हर साल भी बुलाया जाए, आई थिंक उसके पूरे 50 साल होने चाहिए। ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे इतने सारे लोगों को मिलने का मौका मिलता है, ऐसी फिल्में देखने का मौका मिलता है जो हम आम तौर पर नहीं देख पाते हैं, जो यहाँ पर पहुँचते नहीं हम तक नहीं पहुँचते थे। अमेजिंग 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 थिंग्स। सबसे बड़ी बात और खास बात क्या है जिस तरह की फिल्में ये लोग लेकर रहते हैं, जिस तरह का सिलेक्शन ये करते हैं और मैनेजमेंट टीम, द वे दे कीप थिंग फॉरवर्ड, हाउ नाइसली ये ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल और कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं बॉम्बे में नहीं और जगह हर जगह, अभी मैंने जलंधर में भी लोगों ने फेस्टिवल किया है, जयपुर में भी किया, जहाँ जहाँ पे लोग फेस्टिवल करते हैं हर जगह उसकी जो एक स्टैंडर्ड है उसको बहुत मेंटेन करके रखते हैं, विच इज़ रियली 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 गुड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर फेस्टिवल लाइक दिस इन फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।